शुभलक्ष्मी मैम, चलिए हमारा अगला सवाल जोमैटो के बाद। जोमेटो के बाद मेरे पास है रिलायंस। रिलायंस को मैं एवरेज कर ली थी 2762 के भाव से, 20 शेयर है मेरे पास। हाँ, तो इसे मैं क्या करूँ, ये तो थोड़ा गिर गया। ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया है या ट्रेडिंग वेडिंग का मन? हाँ, तब मैं लॉन्ग टर्म के लिए लेती हूँ, माने हाँ स्विंग ट्रेड या शॉर्ट टर्म के लिए कुछ नहीं, माने उतना नहीं करती हूँ, तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट करती हूँ। तो फिर भाव बहुत ज्यादा स्क्रीन पे देखते रहते हो क्या रोज का, कहाँ जा रहा है क्या हो रहा नहीं, है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई पैनिक इतना वैनिक नहीं रोज का नहीं देखती होता, हूँ। बस रीएसेस नहीं, करते रहते हो इतना नहीं बीच बीच में, है देखती ना? बस। ठीक बात। हाँ, सतपुर साहब, दिग्गज आ रही है, लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है, 2762 की खरीद है, थोड़ा सा ऊपर से ठंडा पड़ गया है, क्या करूं? आशीष जी, मुझे लगता है कि देखिए, अगर एक फर्स्ट ऑफ ऑल अगर स्विंग ट्रेड उन्होंने लिया है तो इसका पहला रेजिस्टेंस आएगा 2950। नहीं, स्विंग नहीं तो लिए, दो वो हजार बोले कोई ट्रेडिंग वेडिंग नहीं, हमने तो लंबी अवधि के लिए लिया हुआ था, बस ये हुआ कि अभी ऊपर से थोड़ा ठंडा हो गया है, तो ये सही है कि नहीं? भाव पे लिया हुआ लंबी अवधि के लिए जानना चाहती हूँ वो। आशीष जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा मानता हूं कि व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आप जब हाँ लंबी अवधि के लिए लेते हो हाँ तो ये 5500 रुपये मायने नहीं रखता, क्योंकि ये ऐसे काउंटर है कि ये बाजार के साथ लीड, बाजार को लीड करने वाले, गाइड करने वाले काउंटर है। तो मेरे हिसाब से एंट्री थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन काउंटर लुक्स गुड टू मी। मेरे हिसाब से इवेंचुअली ये 3000 का जो सप्लाई पॉइंट है इसका, ये भी निकाल देगा और इसमें भी स्ट्रेंथ आएगी। तो यस, इट्स अ होल्ड फॉर मी।